एडिनो एमरजेंसी सिग्नल्स को प्रोवाइड कराने के लिए एडिनो का उपयोग किया गया है। और यहाँ पर ये ब्रिज लेफ्ट रिवर ब्रिज का यूज किया है आने वाले समय में ऐसे स्थानों पर जहाँ पर सुगमता से पहुँचा जा सकता है। O2 निकल जाएगी और क्लोरीन मुक्त हो जाएगी। अब मुक्त होने क्लोरीन को हम इकट्ठा कर लेंगे एक जगह पर और उसको फ्रीजिंग -101 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजिंग पॉइंट देकर के आइस क्यूब बना करके पानी को सफाई करने के लिए ले सकते हैं। और CFCl2 गार्बेज के रूप में हम डेनेचर शुष्क सेल बना सकते हैं। और जब भी कोई कार चालक इसे ठोकता है इसके अंदर टक्कर मारता है तो सर ये रोटेट होता है कार को आग ले आते हैं जिसके कारण उसके वो डैमेज होने से कार बच जाती है। सर ये हमारा है। और सर जो नेक्स्ट है हमारा ये सर जैसे ट्रैफिक सिग्नल सर अगर सिग्नल रेड होता है तो सर कभी भी कोई परिवहन चालक अगर ट्रैफिक रूल को फॉलो नहीं करता है और वो सर आगे आता है तो उन्होंने एक सेंसर बनाया जो ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। कार क्या कहते हैं उसका इमेजरी कैमरा उस कार का नंबर स्कैन करके कम्युनिकेशन के माध्यम से उसके मोबाइल में स्पीड का चलान होता है। ओके सर मैंने इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बताया। सर हम जानते हैं कि जैसे इंडस्ट्री में आग लग जाती है तो हमें तब पता चलता है जब पूरी आग लग चुकी होती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसमें सर हमने ट्यूबलाइट सेंसर यूज़ किया है। अगर हम ट्यूबलाइट सेंसर यूज करते हैं तो सर जैसे ही आग छोटे स्केल से लगना स्टार्ट होगी हमें पता चल जाएगा जिससे हमारी इंडस्ट्री का विकास हो सकता है मतलब उसको नष्ट होने से बचाया जा सकता है। सर हम जानते हैं कि इंडस्ट्री से जो वाटर निकलता है वो वेस्टेज वाटर होता है। उससे बहुत से वेस्ट पार्टिकल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि नदी में जाकर मिलता है तो उसको गंदा कर देता है। तो सर अगर नदी के किनारे हम एक नेट प्यूरीफायर लगा दें तो वो प्यूरीफायर उसके अंदर से वेस्ट पार्टिकल को एब्जॉर्ब करके वहीं रोक देगी और जो शुद्ध पानी है वो उसके अंदर जाएगा जिससे इन्वायरमेंट में इफेक्ट नहीं पड़ेगा और वेस्ट पार्टिकल रुक सकते हैं। और सर वो वेस्ट पार्टिकल को हम फिर से यूज कर सकते हैं और आर ओ की रोड यूज़ करें तो पानी भी साफ होकर जा सकता है। इससे हम इसको फिर से इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। सर जैसा कि
सर जैसे कि हम सभी जानते हैं जो प्रकाश का रिफ्लेक्शन होता है वो बड़ी क्लास में सिखाया कक्षा 8 से कक्षा 12 तक क्या क्यों ना इस रिफ्लेक्शन को बच्चों को छोटी क्लास में सिखाया जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड रिफ्लेक्शन सिखाया जैसे कि आप सभी ने देखा है बच्चे मेलों में जाते हैं और वहाँ पर इस तरह की रेजर लाइट लाते हैं जो रिफ्लेक्ट अपना रिफ्लेक्ट उनको ये नहीं पता कि इसके द्वारा हम रिफ्लेक्शन आसानी से छोटी क्लास में सिखाते हैं जैसे कि सर ये देखिए ये मिरर के द्वारा हम रिफ्लेक्शन कैसे सिखा रहे हैं ये देखिए हमने इसका पॉइंट लिया यहाँ से पॉइंट लिया इस पॉइंट से यहाँ से हम ड्रॉ करके एक लाइन खींचेंगे इसका प्रतिबिंब यहाँ आ रहा है ये देखिए सर और ये कहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है इसके बारे में हमें नहीं पता लेकिन सर हम हाथ लगा पता कर सकते हैं ये रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है ये देखिए सर रिफ्लेक्शन हो रहा है इसका इस तरह जहाँ जहाँ इसकी पॉइंट हुई यहाँ से ये रिफ्लेक्शन जा रहा है इस तरह जा रहा है आराम से दिखा सकते हैं हम इस छोटे बच्चों को आराम से फर्स्ट सेकंड क्लास में रिफ्लेक्शन के बारे में बता सकते हैं और सर जैसा कि आपने देखा होगा कि कुछ कंपटीशन लेवल में ऐसी ट्रिक्स वो क्वेश्चन आते हैं जो बस करने में थोड़ी परेशानी होती है थोड़े लॉन्ग होते हैं जिनका माइंड में आंसर रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसी प्रकार से हमने जैसे नॉन परफेक्ट संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाए उसके लिए सर देखिएगा ये हमारा फॉर्मूला है एक्स एक्स जो प्लस माइनस दोनों की टर्म में यूज होगा एक्स प्लस माइनस वाई इस फॉर्मूले के आधार पे इसको एक परफेक्ट संख्या के रूप में जोड़ना है जो बड़ी संख्या वो परफेक्ट होनी चाहिए और दूसरे चाहे परफेक्ट हो चाहे नॉन परफेक्ट हो इसको वाई के टर्म में तोड़ना है फॉर्मूला है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस माइनस वाई अपॉन टू इंटू अंडर रूट एक्स इस फॉर्मूले के आधार पर किसी भी नॉन परफेक्ट संख्या का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं देखिए जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया अंडर रूट सेवन इसको हम तोड़ेंगे संख्या और पहली संख्या हमारी एक्स की जो परफेक्ट रूट में आ गई दूसरी हमारी माइनस में जो वाई आई है दो करके 9 - 2 वो हमें 7 हो गया वाई दूसरी नॉन परफेक्ट भी हो सकती है परफेक्ट उसको हम इस फॉर्मूले के आधार पर यूज़ करेंगे देखिएगा सर इस संख्या पर 9 आ गया एक्स की जन्म में 2 आ गया वाई की जन्म में और ये 9 की जगह आ गया 2 हमारा इस फॉर्मूले सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.67 इस तरह से हम किसी भी नॉन परफेक्ट संख्या का निकाल सकते हैं राज जैसे कि आप देखो हमारे खेत होते हैं खेतों में कभी कभी ऐसा होता है जानवर नष्ट कर जाते हैं खेतों को तो इसके लिए क्या करें तो इसके लिए एक लेजर लाइट सेंसर बनाया है जो खेतों के चारों तरफ लगा होगा उसे हम क्लोज करेंगे तो वो अलार्म बज जाएगा जिससे कि किसान अलर्ट हो जाएगा कि मेरे खेतों में जानवर आने वाले हैं तो वो अपने समय रहते हुए अपनी फसल बचा लेगा और कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी फसल गीली है अभी सूखी नहीं है तो उसके लिए क्या करें और कभी कभी ऐसा होता है समाचारों पर बता देते हैं कि 4 या 5 दिन बाद बरसात होने वाली है तो हम उसे गीली फसल को कैसे सुखाएंगे तो हम उत्तर लेंस का उपयोग करके धूप के द्वारा गीली फसल को सुखा सकते हैं 4 दिन की बजाय 1 दिन चिकित्सालय बनाया सर चिकित्सालय में 5 डस्टबिन और चाहिए सर पहला सर लाल में हमें सर वो गीली चीज जैसे कि सूखी और कांच ऐसी चीज़ें डालना चाहिए और हमें 1 डस्टबिन पीला बनाना चाहिए जिसमें हमारा के अंगों को कूड़ा डालना चाहिए और 1 डस्टबिन हरा बनाना चाहिए जिसमें कि गीला कूड़ा डालना चाहिए और 1 नीला बनाना चाहिए जिसमें सूखा कूड़ा डालना चाहिए और 1 काला बनाना चाहिए जिसमें पट्टी ऐसी चीज़ें डालनी चाहिए और हमें सर यहाँ पर ये सड़कों के दोनों तरफ ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं इसलिए लगाएं क्योंकि सर जो वाहन होती है सर उनका जो धुआं निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड सर वो पेड़ जो लेके फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं सर इसलिए हमने इसलिए पेड़ पौधे ज़्यादा लगाए और सर गंदगी से हमारी वो हमने यहाँ जैविक खेती दिखाया आज जैविक खेती में हमने दिखाई बहुत कम जगह में पशु प्रबंधन कर दिया है पशु का प्रबंधन करके हम कैसे धन कमा सकते हैं नीचे मैंने पशुशाला दिखाई है पशुशाला से जो अपशिष्ट निकलेगा वो जैविक खाद बनाने में यूज होगा और जो एक्स्ट्रा अपशिष्ट होगा वो गोबर गैस प्लांट में डाल दिया जाएगा जिससे मीथेन गैस निकलेगी और वो घर में खाना बनाने और बिजली जलाने के काम आएगी ऊपर हमने कुक्कुट पालन दिखाया कुक्कुट पालन से धन की कमाई होगी और इनका जो अपशिष्ट होगा वो ऊपर मत्स्य पालन में डाल दिया जाएगा उससे जो मछली अपना भोजन खा लेगी और मछलियों से भी धन की प्राप्ति होगी ऊपर हमने वर्षा जल संरक्षण वर्षा के पानी को बचा के जब वर्षा का पानी इसमें आ जाएगा तो इसमें फिटकरी डाल देंगे फिटकरी में एक ऐसा उपाय पाया जाता है जो गंदगी को नीचे बैठा देती है और जब शुद्ध पानी आ जाएगा तो उसका विभिन्न कार्यों में उपयोग कर देंगे भूमिगत गड्ढे दिखाए हैं जब गाँव का कूड़ा कचरा आएगा तो उसे पहले ही जो उसमें चीज़ नहीं गल सकती उसे निकाल देंगे और जो चीज़ गल सकती है उसे इन गड्ढों में डाल देंगे और 15-20 दिन में खाद तैयार हो जाएगी।